आज हम मौजूद हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के सबसे कंट्रोवर्शियल विधानसभा क्षेत्र में, गोशा महल इस वजह से जाना जाता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी मार्केट जो है यहाँ पर लगती है। कई सारे जो है होलसेल कारोबारी यहाँ पर एक बिजनेस हब की तौर पर गोशा महल को जाना जाता है, बेगम बाजार को जाना जाता है, जो खास करके गोशा महल विधानसभा चुनाव में पड़ता है। यहाँ पर जो है हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, हर राज्य से, खास करके तेलंगाना राज्य में हर क्षेत्र से यहाँ पर लोग आते हैं और यहीं से अपना जो है सारा रॉ मटेरियल्स हो या हर चीज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक बिजनेस हब जैसा इसको माना जाता है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आइए जानते हैं कि गोशा महल में है क्या। गोशा महल का नाम, अगर कुछ और नाम दे सकते हैं गोशा महल को, तो वो क्या होगा? ये मिनी राजस्थान है, यहाँ पर हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर सब भाईचारे से रहते हैं, पूरा कमर्शियल एरिया है यहाँ पर। यहाँ पर सब बिजनेस एरिया है, सब आराम से कमा के खा रहे हैं। आपका नाम बताइए। घनश्याम पांड्या। कितने साल से आप यहाँ पर गोशा महल? 50 साल से। क्या लग रहा है गोशा महल को 50 साल में आपने क्या देखा, कैसा डेवलपमेंट देखा, क्या है? डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा ही है साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट तो कर रही है, जो भी पार्टी वाले आ रहे, मगर आधा काम करते आधा छोड़ देते, रस्ते में ही छोड़ देते। कोई रोड बन रही है, कचरा जहाँ पड़ा हुआ है पड़ा हुआ रहते, मोरियों का अपन देख के जाके बोल के आते दूसरे दिन वैसे ही छोड़ के चले जाते। अभी तक वहाँ बढ़ाने को पड़ा हुआ ही है, गटरा है तो साफ सफाई होती नहीं। तो यहाँ पर व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं? अगर हम व्यापारियों की समस्या है ना साहब, हर चीज की प्रॉब्लम ही है। गाड़ियां लेके आते गोड़ी लेकर, पार्किंग नहीं है कुछ भी, गाड़ी का ट्रैफिक बहुत रहती, हर दम ट्रैफिक का लाने रोना ही रहता। कभी भी कोई भी आदमी आता तो गाड़ी लेके आ ही नहीं सकता, ऐसे हाल है यहाँ। तो आप इतने साल से यहाँ पर है, तो आपके लिए इस चुनाव के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या विषय होना क्या साहब? अब जो भी है अपने हिसाब से कोई ना कोई तो अब अच्छी जो बीजेपी वाले तो अच्छे काम कर रहे हैं, काम तो अच्छे ही बढ़ रहे, बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, और क्या है। तो आप बताइए, नौजवान भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं कि क्या नौजवानों की समस्या है गोशा महल इलाके में। यहाँ पर राजा सिंह जो है वो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं विधानसभा में, अभी इस बार उनको फिर से टिकट दिया गया, तो इसको नौजवान यहाँ के कैसे देखते हैं? हम तो बहुत खुशी मना रहे कि हमारे राजा भाई को जो टिकट मिली है इस बार। हम तो सोचे कि टिकट नहीं मिलेगी, उनका सस्पेंशन हटाए फिर उनको टिकट मिली है, तो उस हिसाब से अब हम यही चाहेंगे कि वो हमारे को जिस तरीके से सपोर्ट करते हुए आ रहे अभी तक, और उसी तरीके से हमारे को सपोर्ट रहेगा। जैसा कि अभी हमारे को स्पोर्ट्स इस चुनाव के लिए आपके पास मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? पानी हो, घर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पैसा हो, व्यापारियों के लिए हो, यूथ के लिए हो, जॉब्स के सिलसिले में हो, क्या क्या है? स्कीम्स है, केसीआर गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उसके सिलसिले में हो, क्या क्या समस्या है? समस्या तो ये है कि एजुकेशन को ले लेके थोड़ा हमारे को जो इश्यू है, और स्पोर्ट्स को डाम इश्यू है, स्कॉलरशिप से वो है जो हम लोग को, कौन सी सरकार नहीं दे रही है स्कॉलरशिप टीआरएस की? तो हमारे को यही चाहिए हमारी बात, हम राजा भाई का ने भी ये बात रखी, राजा भाई भी ये बात उठाए 2-4 बार कि हमको बच्चों को, हमारे आने वाले बच्चों को, जनरेशन को पढ़ाई के लिए सपोर्ट करो। और दूसरी चीज, स्पोर्ट्स में तो हमको कुछ सपोर्ट नहीं है, जैसा कि मैं रेसलिंग करता हूँ तो हम लोग को कुछ सपोर्ट ही नहीं है सेंटर, हमारे जो गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट से यही बोलने आए कि हम राजा भाई के पास भी यही बात बताए कि स्पोर्ट्स में हमको सपोर्ट मिलो। दूसरी चीज कैसे स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो निकट जरीन है और कई सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो तेलंगाना से भी उभर के आ रहे हैं, तो क्या लगता है गोशा महल से क्यों नहीं? गोशा महल में कई सारे, मैंने भी सुना है कि बहुत सारे यहाँ पर दंगल होता है, दंगल रेसलिंग होता है, नौजवान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो यहाँ से क्यों नहीं? अब वो बात हम लोग भी आज तक वही बात हम सरकार से भी करे, वही बात बताए कि हमको ये चीज सपोर्ट क्यों नहीं है यहाँ से। ऐसे बहुत है जो जा रहे हैं तेलंगाना से, पर बेगम बाजार हो गया, गोशा महल हो गया, फिलकाना हो गया, जैसे हमारा गोशा महल कौन से वहां से क्यों नहीं है, ये बात हमने भी पूछा, पर वो बोलते हैं आप अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद हमारा कुछ रिस्पॉन्स आता नहीं, अप्लीकेशन अभी वेटिंग पे है। जी, तो ये समस्या है नौजवान की। एक समस्या इन्होंने बताई कि स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशन को लेकर जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गोशा महल में थोड़ा लैगिंग है। आपका नाम बताइए। पवन। तो आपके हिसाब से क्या यहाँ पर डेवलपमेंट है गोशा महल का, क्या मुद्दा होना चाहिए? एज अ यूथ आप क्या देखते हैं? एज अ यूथ ऐसे देखते हैं कि अभी यहाँ जैसा है बेगम बाजार एक कमर्शियल एरिया है, पूरा बिजनेस का यहाँ पे पूरा एक तरह का हैदराबाद में बेगम बाजार एक बिजनेस का पूरा एरिया माना जाता है, बहुत बड़ा एरिया। बट यहाँ पे यही है, यहाँ पे जो भी आते हैं पहले एक ट्रैफिक का बहुत बड़ा मुद्दा है, और ट्रैफिक के साथ साथ यहाँ पे पूरे रोड है, सो मेन रोड यहाँ पे आप गली जाओगे रोडों के ऊपर पूरे खड्डे है, इतने बड़े खड्डे है कि जब भी लॉरी आती है दिक्कत आती है, और हर जगह देखोगे गली में आपको दिखेगा कि पूरे मोरी भरे हुए पूरे ना। तो इस मुद्दा जो है, म्युनिसिपल इश्यूज हो, सिविक इश्यूज हो,
इसको यहाँ के विधानसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका काम होता है, यहाँ के पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पर AIMM के असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन तक कभी कोई बात नहीं गई, कॉर्पोरेटर तक कभी बात नहीं गई, क्या ये मुद्दा कभी इस चीज के बारे में कम्प्लेन करने के बावजूद भी यहाँ पे यही रिपीटेड होते रहता है, हर बार हर साल ऐसे ही होता रहता है, और बस ये इतना ही है। क्या होगा, एक सॉल्यूशन क्या बताएंगे आप? सॉल्यूशन यही है, जो कम्प्लेन जहाँ कहीं कम्प्लेन है उस चीज को है ना उस वही समय में आके आप सुधार करें तो वो क्यों ही है ना आगे बढ़ेगा। तो एक गोशा महल के युवा के हिसाब से आप किसको आगे वाले चुनाव में चाहते हैं कि वो आए और काम करें? हम चाहते हैं कि जो हमारे पब्लिक को जो सेवा कर पाए बरोबर उससे चाहते हैं, और जैसा हम देखते हैं कि यहाँ बीजेपी में है कि वो थोड़ा बहुत बोलते हमारे मारवाड़ियों हमारे पूरे हिंदुओं को जो रक्षा कर सकते हैं और इस चीज का है ना कर सकते हैं, बस इतना ही है कि हमारे जो बेसिक्स नीड्स है उसे पूरा करने वाला ही है हमें नेता चाहिए, उतना हमारे को कुछ इतना नहीं है कि हमारे को नेता इतना वो करे ये करे, इतना ही है बस जो रिक्वायरमेंट्स है पब्लिक का उस चीज पे हमें वो चीज का वो करते हैं। जैसे हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां से बीजेपी ने अपना टिकट जो है हासिल किया, विजेता प्राप्त की। आप एक युवा के हिसाब से बताइए आपके लिए क्या समस्या है, क्या आप जॉब करते हैं? जॉब नहीं करता हूँ, ऑलरेडी मैं जिम ट्रेनर हूँ, मैं स्पोर्ट्स में जिम ट्रेनर हूँ, मैं जिम में मलिक फिट पे मल्टीमेजर जिम है। तो आप गोशा महल के रहने वाले हैं? गोशा महल के रहने वाले हैं, कमलेश यादव। ओके, तो क्या लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए गोशा महल की तरफ से, एक युवा के नाते आप क्या देखते हैं? कोई स्कीम्स जैसे यूथ के लिए स्कीम्स है जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने कांग्रेस की जो पार्टी है उन्होंने सरकार में आने पर अनाउंस किए युवा के लिए, और BRS ने 2 लाख नौकरियों का वादा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया है, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? ये नौकरियों का जो वादा करे ये लोग, जो नौकरियां जो मिलेंगी नौकरियां और अच्छा है यूथ के वास्ते, ये एरिया में मुश्किल है। क्यों ऐसा क्यों, ये एरिया क्यों? ये एरिया में क्या है, खाली सामने रहते दिखाते करते वो प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम। तो आइए जानते हैं, कुछ दुकानदारों से भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ की समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं ये फील खाना एरिया आता है बेगम बाजार में, जहाँ पर एक कमर्शियल जो है ये इलाका है, यहाँ पर पूरे राज्य में हर तरीके से जो है लोग यहाँ पर आते हैं, हर खरीदारी हो चाहे वो किराना आइटम्स की हो या कई सारे ऐसे चीजों की हो जो पूरे स्टेट में यहाँ से सप्लाई होता है। आइए दुकानदारों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर गोशा महल के लिए क्या समस्याएं हैं, क्या जो है मुद्दा होना चाहिए। सर आपका नाम बताइए। राजेश ओझा। आप कितने साल से यहाँ पर? यहाँ पे पैदा यही जो है पूरा 60 साल हो गए। तो गोशा महल को कैसे देखते हैं आप? पूरे तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है, गोशा महल का चुनाव काफी दिलचस्प होगा, तो आप क्या देखते हैं समस्याएं क्या होंगी गोशा महल? समस्या क्या जी, सब ऐसी है, चलते रहता, मैं क्या बोल सकता हूँ। मुद्दे क्या है, मुद्दे जो मुद्दे असल मुद्दे क्या है यहाँ पर जो होने चाहिए? नहीं, मुद्दे तो सब अच्छे ही है, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, BRS भी है, टक्कर दे रही है? बीजेपी से पूरा एरिया तो बीजेपी का एरिया है, वो जीत के बीजेपी आएंगे। तो ये जो है यहाँ के जो है दुकानदार का जो है उनका यहाँ पर जो है ओपिनियन है, जैसे हम कह सकते हैं महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं से पूछते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या। आपका नाम बताइए। पूजा। पूजा, तो आप गोशा महल में रहती हैं, तो क्या एज ए महिला आप क्या देखती है कि क्या मुद्दे होने चाहिए गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तेलंगाना के लिए? आपको कोई स्कीम्स वगैरह हो? अच्छा, तो ये यहाँ पर जो है इस तरीके का माहौल आपको देखने को मिलेगा। आपका नाम बताइए। रमेश लाइकर, मैं गोशा महल डिवीजन का हूँ, यानी यहाँ अपने यहाँ पर गोशा महल डिवीजन में पहले से हिंदू राष्ट्रीय के हिसाब चलता रहता है, ये मारवाड़ी समाज रंधो को, अगला समाज रंधो, तेलुगु समाज रंधो, पूरे बीजेपी को मानने वाले यहाँ पर, ये ऐसा कॉन्सेंसी गोशाल कॉन्सेंसी बीजेपी के नाम से, और कोई रंधो कोई छोटा मोटा आदमी कोई कड़ा रहा समझो, यहाँ बीजेपी से जीतने वाला आदमी है, हिंदुत्व काम करने वाला आदमी रहना चाहिए यहाँ पर, ये बेगमार ऐसा कॉन्सेंसी है। तो ये यहाँ पर जो है इस बेगम बाजार इलाके में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ का माहौल है, और कुछ दुकानदारों से हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि और क्या उनकी समस्याएं यहाँ पर है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिविक इश्यूज, एक जो यहाँ के युवा ने बताया था, इस सिविक इश्यूज को आप देख सकते हैं, कई सारे ऐसे भी मुद्दे हैं जो उठने चाहिए,
जो आने चाहिए, जिसको लेकर जो है सरकार को थोड़ी जो है सीरियसनेस यहाँ पर दिखानी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा कमर्शियल इलाका जैसे मैंने कहा दिखता है ये गोशा महल इलाके में, बेगम बाजार और खास करके पूरा गोशा महल में आपको आबादी के तौर पर मारवाड़ी जो समुदाय के लोग हैं वो ज्यादा पाए जाएंगे। एक दुकानदार से बात करते हैं, आपका नाम बताइए। अमरचंद। आप कितने साल से यहाँ पर? 35। तो क्या लगता है गोशा महल के लिए क्या मुद्दे है, क्या अभी तक डेवलपमेंट क्या हुआ है और क्या होना चाहिए? नहीं ठीक है, अच्छा है। अच्छा तो क्या और क्या मुद्दे है जो जिसको लेकर जो है डेवलपमेंट आना चाहिए? डेवलपमेंट तो आना ही चाहिए थोड़ा। क्या कैसा कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? कुछ भी डेवलपमेंट, रोड का हो ये हो वो सो, तो ये समस्या है रोड वगैरह की समस्या। तो ये यहाँ के दुकानदार थे जिन्होंने बताया कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए साथ में बस, अब ठीक है ऐसा ये मानते हैं। एक और दुकानदार से बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर इनका क्या कहना है इस जो है गोशा महल इलाके को लेकर। आपका नाम बताइए। राम निवास मेरा नाम। तो आप बताइए कि यहाँ पर क्या मुद्दे है, गोशा महल में क्या मुद्दा होना चाहिए सियासी तौर पर? एक महीना होगा ये उस बाजू के जो गटर है हमारे रोड के ऊपर पूरा जाम हो के पूरा ट्रैफिक हो रहा है, पूरा गलीज भरा हो रहा है, पूरा एकदम आज वो पब्लिक रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्या यहाँ पर जो विधानसभा यहाँ के विधायक हैं या फिर यहाँ के पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं वो या फिर कॉर्पोरेटर्स का ये काम है, आपने कभी कंप्लेन की है? कंप्लेन बहुत टाइम की है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उसमें। बहुत टाइम हम कंप्लेन करके फोन करके आएंगे करेंगे, एक महीना होगा 20 दिन के ऊपर होगा ऐसे ही पड़ा अभी कंकड़ तुम्हारे सामने देख लो। उधर आने वाले चुनाव में क्या होगा, किसका पल्ला भारी भारी होगा आपके हिसाब से, क्या क्या लग रहा है? यहाँ तो बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी का मैन। तो इस मुद्दों को लेकर क्या आप अनुरोध आप रिक्वेस्ट क्या करते हैं? रिक्वेस्ट वही कर रहे हैं, जो भी हमारा रोड जो भी कुछ खराब हुआ था उसको अच्छा करो, आम पब्लिक को तकलीफ नहीं होना, बस वही रिक्वेस्ट। तो इस तरीके के मुद्दे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिविक इश्यूज एक मुद्दा, सिविक इश्यूज एक मुद्दा है। इसके साथ साथ सिविक इश्यूज एक मुद्दा है, इसके साथ साथ जो है कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एड्रेस करना जरूरी है, और इस तरीके के इश्यूज को लेकर यहाँ के दुकानदार भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है लोगों की अगर हम माने तो भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता है, इस गढ़ में ही यहीं से ही बीजेपी जो है पिछली बार इकलौती सीट जो है विधानसभा को रिप्रेजेंट करने में कामयाब हुई, सफल हुई, और आगे आने वाले चुनाव में देखना ये होगा कि क्या मुद्दा रहेगा, क्या गोशा महल को बीजेपी अपना गढ़ बरकरार रख पाएगी।